भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चारामा निवासी अनूप वर्मा द्वारा अभद्र व अपमानजनक टिप्पणी करने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी कांकेर शहर व भाजपा ग्रामीण मंडल द्वारा आज भाजपा के वरिष्ठ व जिला पदाधिकारियों की उपस्थिति में कांकेर थाने में FIR दर्ज कराया गया। भाजपाइयों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है कि चारामा के वार्ड क्रमांक 10 निवासी अनूप वर्मा द्वारा ऑडियो कॉल के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत ही अशोभनीय व अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो कि किसी के लिए असहनीय हो सकता है। अनूप वर्मा द्वारा देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कही गई बातों से न केवल भाजपा कार्यकर्ता बल्कि आम जनता भी आहत हुए हैं। इससे पूर्व भी अनूप वर्मा द्वारा प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक बातें कही गई थी, जिसकी रिपोर्ट 23 अक्टूबर 2023 को चारामा थाने में दर्ज कराई गई है, परंतु चारामा थाने द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे अनूप वर्मा का दुस्साहस बढ़ गया है और उसने पुनः प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अनूप वर्मा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग FIR में कही है। चारामा के एक व्यक्ति के द्वारा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को अभद्र टिप्पणी की गई है, उसका ऑडियो भी वायरल हुआ है। ये बहुत ही दुखद है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और ऐसी कोई भी अगर गलती करता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल और सभी मंडलों में उनके लिए FIR करने की मांग की जा रही है। हमने ज्ञापन सौंपा है अभी और उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और उग्र हो जाएंगे और अब नहीं सहेंगे हम लोग। प्रधानमंत्री जी के लिए अगर कोई कुछ बोलता है तो हम एक शब्द भी नहीं सह सकते। किसमें वायरल किया है उसने? मोबाइल के द्वारा ऑडियो आया है हमारे पास, जिन्होंने अभद्र शब्द बोले हैं जिसको हम बोल नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के द्वारा आज हम सब यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री को जिस प्रकार अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने के संबंध में हम लोग यहाँ पर थाना में FIR दर्ज कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता पहुँचे हैं, और जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री को इस प्रकार कोई भी आम जनमानस जिस प्रकार एक गाली देने का एक भाव चला है, वो निश्चित रूप से ये बहुत गलत तरीका है। देश के प्रधानमंत्री को जिस प्रकार हम सब सम्मान करते हैं, चाहे वो कोई भी दल का हो, लेकिन उसको कोई भी प्रधानमंत्री जैसे पद का एक दुर्भाग्य। पखान चोर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।